हाय किड्स, आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। चित्र है माली का, हम यहाँ लिखेंगे माँ ली। दी पक बक री। बड़ी की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। अब अपने से मात्रा लगा कर शब्द बनाना है। तर त बड़ी ई र तीर। प बड़ी ई र पीर। झ बड़ी ई ल झील। प न बड़ी ई र पनीर। ब छोटी ई ज ल बड़ी ई बिजली। फ छोटी ई र क बड़ी ई फिरकी। छ छोटी ई प क ल बड़ी ई छिपकली। त र क आ र बड़ी ई तरकारी। न म क बड़ी ई न नमकीन। आगे है हमारा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके पास यहाँ शब्द दिए हुए हैं, अब आपने इसमें से वाक्य पूरे करने हैं। ओके, घर पर डैश चल रही है। घर पर सफाई चल रही थी। ठीक है ना, रीमा डैश का जाला साफ कर रही थी। रीमा मकड़ी का जाला साफ कर रही थी। लड़की डैश भरकर पानी लाई। लड़की मटकी भरकर पानी लाई। डैश जीभ निकालती थी। बकरी जीभ निकालती थी। ओके, अब आपने इनको लिखना भी है, याद भी करना है। आगे है हमारा श्रुतलेख। श्रुतलेख है हमारा, नीचे आपको शब्द दिए हैं। स बड़ी ई ट बड़ी सीटी। श बड़ी ई ल आ शीला। छ ल न बड़ी ई छलनी। प आ ल क बड़ी ई पालकी। स र क आ र बड़ी सरकारी। ल बड़ी च बड़ी लीची। ट ह न बड़ी टहनी। प त बड़ी ल बड़ी पतीली। अंडरस्टैंड। अब आपने श्रुतलेख के हर शब्द को पांच पांच बार लिखना भी है और याद भी करना है। ये बड़ी की मात्रा का अभ्यास आपने अपनी कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। अंडरस्टैंड। थैंक यू।